के लिए आपसे कहूंगी कि सिर्फ लंबे इंसानों के लिए ना डाइस बनाया करें, थिंक ऑफ द शॉर्टर पीपल इन दिस वर्ल्ड. हाँ, आई थिंक दैट्स अ बेटर आइडिया. अच्छा चले, इट्स ओके, माय वॉइस इज नहीं पॉइंट, नहीं नहीं इट्स फाइन, आई कैन बी सीन, माय वॉइस कैन बी हर्ड. नहीं नहीं लेट इट बी. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बातें हो रही हैं अल्टरनेट सिस्टम जमहूरियत का, ये इररिलेवेंट है. हमारे मुल्क में जमहूरियत जद्दोजहद के तहत आई है. पाकिस्तानी कौम में जमहूरियत की बहुत सी शहादतें हुई हैं. मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स में लोगों ने जाने दी हैं. इस वास्ते डिस्कस करना भी कि जी जमहूरियत नहीं तो व्हाट एल्स, देयर इज नो व्हाट एल्स. जमहूरियत पाकिस्तान में आ गई है, कायम हो गई है. ये तीसरी हुकूमत है जो इलेक्शन के तहत आई और पिछली दो हुकूमतों ने, चाहे जो भी खराबियां उनकी, पूरा टर्म किया अपना. तो इस वास्ते जमहूरियत के ऑल्टरनेट्स और जमहूरियत की डिस्कशन आर इररिलेवेंट. और मैं ये भी बताती चलूं, कोविड की अभी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, मैं हैरान थी आपने पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया जिसने सबसे अच्छे तरीके से कोविड का मुकाबला किया है. और ये जमहूरियत, जमहूरी हुकूमत ने किया है, मच बेटर देन सिंगापुर और साउथ कोरिया और वेर एवर एल्स. सो आई थिंक ये कहना कि उन्होंने बेहतर किया, अगर जमहूरी मालिक नहीं है उन्होंने बेहतर किया है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. पाकिस्तान एज अ डेमोक्रेसी, एज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया है, मैं दाद देती हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन का कि कोविड में पूरा लॉकडाउन ना करें. और एनसीओसी जो बनाई वो भी एक विजन के तहत बनी. तो इस वास्ते ये भी जमहूरियत की कामयाबी है पाकिस्तान में. फिर जनाब बात होती है जमहूरियत कितनी लिमिटेशंस क्या है जमहूरियत की, क्या किस तरह स्टेट और नेशन को बैलेंस किया जाए. आपका पार्लियामान है, इट शुड बी सुप्रीम. जो रियासत है, रियासत का काम है कि शहरी को प्रोटेक्ट करे. हमारे आईन में 1 to 28 सारे इंसानी हकूक की शिके हैं. हमने वो रियासत की जिम्मेवारी है, ऑब्लिगेशन है. अगर हम इंसानी हकूक की बात करते हैं, अपने पिसे हुए तबके के हकूक उनको देना चाहते हैं, या हम एहसान नहीं कर रहे किसी पे, ये उनका हक है हम पे, क्योंकि हमारी आईन ने ये हकूक उनको दिए हुए हैं. रियासत नहीं हकूक दे रही, आईन बन गया है, आईन हकूक दे रही है. ये कोई रियासत एहसान नहीं कर रही पाकिस्तानियों पे, सिर्फ शहरियों पे, ये उनका फर्ज है एज ए रियासत कि वो अपने लोगों को उनके इंसानी हकूक दें जो कि आईन में लिखे हुए हैं. और मैं समझती हूं कि ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक जो है वो अब सेंट्रल हो गए. वो दिन गए जब सिक्योरिटी की बात होती थी कि जी अगर स्ट्रांग मिलिट्री होगी तो फिर आपका स्टेट सिक्योर होगा. वो बहुत अरसे से खत्म हो गई है बातचीत. इनफैक्ट आई विल डेट इट बैक टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब एयरफोर्स आया जंगों में, एयर पावर, तो वो मिलिट्री स्ट्रेंथ इररिलेवेंट इन अ वे हो गई, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू में सिविलियंस को अटैक किया गया, इंडस्ट्रियल सेंटर्स को अटैक किया गया. जो मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया रियासतों का, फ्रॉम द मिलिट्री टू द सोसाइटी एट लार्ज. तो अगर आपकी सोसाइटी, आपका नेशन मजबूत होगा तो फिर आपकी रियासत मजबूत होगी. डिपेंडेंसी पलट गई जब वॉर फाइटिंग बदल गई, जब सिविलियन सेंसर स्टेज आ गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर कौम की बदल गई, तो बैलेंस शिफ्ट हो गया फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन. रियासत की मजबूती डिपेंड करती है आपके नेशन और कौम की मजबूती पर. और यही जमहूरियत की खूबसूरती है कि जमहूरियत में आपकी कौम, आपके शहरी, द नेशन, ये सुप्रीम होता है. और रियासत का काम है कि इसको और तगड़ा करें.
अब मैं आऊंगी कुछ हमने जो कवानीन किए हैं, क्योंकि बातें बहुत होती हैं, प्रोटेस्ट में ऑपोजिशन बहुत लगी होती है। और इधर मैं बताती चलूं, और फौज साहब आपको भी ये इंटरेस्टिंग होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहुत बात की जाती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूरोप में बहुत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इधर नहीं है, हुकूमत का टेल कर रही है। फैक्ट नंबर वन, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 10 पढ़ लें उसका, वो लिमिट करती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड्स वेयर द अदर्स फ्रीडम टू बी फ्री, वेयर यू डोंट हर्ट देयर सेंटिमेंट्स, यू डोंट अपसेट देम। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनलिमिटेड नहीं होती, इट इज ऑलवेज लिमिटेड कि आप औरों को ना, उनकी फ्रीडम ना छीन ले टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, टू एक्सप्रेस देयर बिलीफ्स। तो ये फैक्ट नंबर वन है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, बट ये नहीं कि ऐसी आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करें कि आप उसमें झूठ भी बोल दें, लोगों की बेइज्जती भी कर दें, और आपको कोई पूछे ना कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और जितना फ्रीडम कंट्रोल आजकल यूरोप में हो रहा है, मैं समझती हूं और कहीं नहीं हो रहा। आप वो होलोकॉस्ट को क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हिस्टोरिकली, आपको जेल में फेंका जाएगा। कई ममालिक यूरोप के ऐसे हैं जिसमें मुसलमान खवातीन को उनके कपड़े जो वो पहनना चाहती हैं आप नहीं पहन सकते, आपको जेल में डाल देंगे। आजकल अफगानिस्तान पे बड़ा शोर हो रहा है कि, और बड़े खवातीन के ग्रुप्स, और उधर ट्रंप भी है, वो मतलब अमेरिका में भी आवाजें आ रही हैं यूरोप के, दे मस्ट प्रिजर्व द राइट्स ऑफ वुमेन, बिल्कुल करनी चाहिए, खवातीन के हकूक है। लेकिन यूरोपियन ममालिक अपने मुल्कों में भी तो देखें वो क्या कर रहे हैं मुसलमान खवातीन के साथ। एक औरत मुसलमान अगर वो, और या बच्ची वो अगर सर ढक के स्कूल जाए, उसको नहीं पढ़ाई डिनाई हो जाएगी, वो नहीं कर सकती स्कूलिंग। अगर एक मुसलमान औरत सर पे दुपट्टा डाल के या स्कार्फ जो भी है वो काम करना चाहे पब्लिक स्पेस में, वो नहीं कर सकती। और ये सिर्फ नहीं, उसको जेल में डाला जा सकता है अगर वो अपना ये मुसलमान ड्रेस पहने। तो मैं कहती हूं, हम भी कहते हैं कि खवातीन को हकूक मिलने चाहिए। आप खवातीन पे पाबंदी नहीं लगा सकते कि जी आप पार्क में इस वक्त जाएं, उस वक्त ना जाएं, आप अकेले ना जाएं, नहीं। ये शहरियों के हकूक है और एक खवातीन भी शहरी है। लेकिन वो ममालिक जो हमें लेक्चर देते हैं, अपने गिरेबान में भी जरा देखें कि वो क्या कर रहे हैं अपने शहरियों के साथ, फॉरेनर्स के साथ नहीं, अपने मुसलमान शहरियों के साथ यूरोपियन ममालिक क्या कर रहे हैं। तो जमहूरियत, अगर आप और ममालिक में जमहूरियत की बात करते हैं कि आप जमहूरी निज़ाम अपनाएं, तो आप अपने मुल्क में भी वो निज़ाम अपनाएं पहले। दिस इज माई व्यू, हम एक हिपोक्रेसी है। अब मैं वापस पाकिस्तान पे दो तीन चीजें सिर्फ कहूंगी। हमारी हुकूमत ने इंसानी हकूक के जो स्टेप्स लिए हैं, पिछली हुकूमतों ने नहीं की, बातें बड़ी होती थी। लेकिन मुझे बताएं, दो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सपोजिटली आई हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस पे क्यों नहीं किसी ने कानून बनाए? बातें करते रहते थे, वो प्रोटेस्ट पे चले गए, एक उनके सेनेटर कहीं, दूसरा कहीं बिलावल जाके बैठ गया, कानून ना बनाए। ये इमरान खान की हुकूमत है जिसने इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का कानून बनाया, असेंबली में पेश हो गया, और अब वो इंटीरियर क्या है, वो स्टैंडिंग कमेटी से पास होके असेंबली में पैसेज के लिए आएगा। पहली दफा पाकिस्तान ऐसा कानून बना रही है जिसमें रियासत अकाउंटेबल होगी। अगर उन्होंने जुल्म और तशद्दुद किया किसी शहरी के साथ, रियासत के खिलाफ एक्शन हो सकेगा, इस क्योंकि ये कानून रियासत की अकाउंटेबिलिटी का बना है। किडनैपिंग वगैरह से नहीं ये डील करता, ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस सिर्फ डील करता है। फिर जर्नलिस्ट बड़ी बातें कर रहे हैं, फ्रीडम, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन। पिछली हुकूमतों ने जो बनाए थे जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, जर्नलिस्ट ने उनको खुद रद्द किया था। हमारी हुकूमत का जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है, जो जर्नलिस्ट की कंसल्टेशन के साथ बना है, ना सिर्फ जर्नलिस्ट ने सपोर्ट किया, वो भी असेंबली की सब कमेटी से हो गया। अब डिपेंड करता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी किस वक्त मीटिंग बुलाते हैं,
स्टैंडिंग कमेटी की ओर पास करते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग जमहूरियत की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कोई काम इंसानी हकूक का आपने नहीं टाइम से होने देना। हमारा सीनियर सिटीजन का कानून जो बना है एक साल रखा रहा है स्टैंडिंग कमेटी में, सियासत हर बिल पे ऑपोजिशन सियासत खेल रही है। उनको मेरा ख्याल में कुछ कंफ्यूजन है कि जमहूरियत का मतलब क्या होता है। ये नहीं मतलब होता कि आप हर चीज पे सियासत खेलें, जिससे आपकी कौम की बेहतरी हो रही है उसको भी आप रोक दें काम को, क्योंकि आपने खेलनी सियासत है। शायद आपने अपनी चोरी वोरी बचानी हो तो आप कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को हर जगह तंग करें। और सबसे बड़ी बात, हर इलेक्शन में जो हारता है वो कहता है रिगिंग है। तो हमारी हुकूमत ने कहा कि ये मसला हल करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाएं पेपर ट्रेल के साथ, ताकि ना हैकिंग हो सके ना कुछ। और ऑपोजिशन को तो हार्ट अटैक होने लगा कि जो हम अरसे से सिस्टम हमने एक परफेक्ट कर दिया था रिगिंग का, वो एकदम से हुकूमत खत्म करना चाह रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। मतलब है कोई वजह और नहीं है, वो चाहते हैं कि रिगिंग सिस्टम ऐसा हो जिसमें करप्शन हो, जिसमें रिगिंग हो सके। लेकिन उनको पता नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बड़ी डिटर्मिनेशन है कि हमने रिगिंग खत्म करनी है, हमने साफ और शफाफ इलेक्शन करने, क्योंकि साफ और शफाफ इलेक्शन से जमहूरियत बढ़ेगी इस मुल्क में। और फाइनली मैं ये कहती जाऊंगी कि अब कोई अगर सोच रहा है कि जमहूरियत को डिस्टर्ब करे, अब नहीं हो सकती, वो दिन गए इंटरवेंशंस के। तीसरी हुकूमत है, इलेक्शन से आई है, जमहूरियत की फाउंडेशन मजबूत हो गई है पाकिस्तान में। और ये कोई ना भूले कि ये जमहूरियत हमें किसी ने तोहफे में नहीं दी, हमने जदोजहद करके ली है। हर दफा जब जमहूरियत हटी है लोगों ने सड़कों पे निकलकर, कई लोगों ने शहादतें दी हैं जमहूरियत के लिए। ये हमारी बड़ी एक कीमती चीज है हमारे लिए, हमारी जमहूरियत। और इंशाल्लाह मैं नहीं समझती कि अब कोई फोर्स ऐसी है, कोई ताकत ऐसी है जो इस जमहूरियत को अब डिस्ट्रॉय करे या इवन डिस्टर्ब करे। इंशाल्लाह पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम, जिस तरीके से हमारी हुकूमत कवानीन बना रही है खास तौर पे इंसानी हकूक के, ये जमहूरियत हम मजबूत करेंगे। और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन तक हमारे जमहूरियत के फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जमहूरी रवैया जो है हमारी पार्टी का, उससे हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब को कामयाबी होगी, क्योंकि हमारा विजन एक डेमोक्रेटिक विजन है, एक वेलफेयर स्टेट का विजन है, जिसपे हम दो नहीं एक पाकिस्तान कर रहे हैं। चाहे सिंगल नेशनल करिकुलम हो, चाहे एहसास हो, हेल्थ कार्ड हो, इंसानी हकूक की लेजिस्लेशन हो, हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, ना सिर्फ एलीट के लिए लेकिन आम शहरी के लिए, जिनको आईन ने हकूक दिए हैं लेकिन आज तक किसी हकूमत ने ख्याल नहीं किया आम शहरी के हकूक का। पहली हकूमत है मैं समझती हूँ जो इन हकूक का ख्याल कर रही है और इनको मजबूत कर रही है और डिलीवर कर रही है अपने आम शहरी को। तो इस वास्ते इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर, जमहूरी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू।